हेलो दोस्तों, ओप्पो रेनो 10X जूम की जो प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन है वो आज हम देखेंगे लाइक आराध्या व्लॉग्स पर। सो लेट्स गो। ये है ओप्पो रेनो 10X जूम जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं और मैं हूँ लाइक आराध्या व्लॉग्स का कैमरामैन। और बहुत ही शानदार फ़ोन दिखने में, और अभी हमने ख़रीदा है स्पेशल आराध्या के लिए व्लॉग्स बनाने के लिए, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। देख रहे हैं आप, हैंग हो गया है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ इस पर, कुछ नहीं हो रहा है। इस पे मैंने काफ़ी फिंगर ऊपर नीचे टच करने की कोशिश की, लेफ़्ट राइट कुछ नहीं हुआ। पावर बटन मैंने प्रेस करने की कोशिश की, आप देख रहे हैं कई बार, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। वॉल्यूम बटन जो है, वॉल्यूम की, उसको भी मैंने प्रेस किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। अभी लाइट चली गई है यहाँ पे और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि फ्रीज़ हो जाता है फ़ोन कई बार। आप कुछ ऐप खोलते हैं तो, जैसे कि पेटीएम या फिर गूगल फ़ोटोज़ खोलते हैं, या आप कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो ये बीच में फ्रीज़ हो जाता है। और फ्रीज़ होने के बाद में कुछ नहीं होता है। आप कोई पावर की या फिर वॉल्यूम की अप डाउन यूज़ कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये फ्रीज़ होने के बाद में स्क्रीन यहाँ पे ऑफ हो जाती है, और फिर एक स्क्रीन जो हमें दिखती है वो ये होती है। ये जो आप स्क्रीन के बिल्कुल बीच में एक लाइट है, फ्लैश लाइट, ये कभी लेफ़्ट में जा रही है, कभी राइट में जा रही है, तो यही आपको दिखती है बस। और ये दिखने के बाद में जब कीज़, जो फिज़िकल कीज़ इस फ़ोन पे है, वॉल्यूम की, लेफ़्ट की, या फिर पावर की, या वॉल्यूम अप या डाउन की, जो भी कीज़ हैं, वो सब आप प्रेस करके देखते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। और जब आपका नया नया फ़ोन, इतना महंगा, इतना अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का फ़ोन, फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन जो है, उसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो बड़ा ही दिमाग ख़राब होता है देख के कि यार क्या किया, क्या लिया मैंने। और यही मेरे साथ हुआ, और अब तो आदत सी पड़ गई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में मैंने नया फ़ोन लिया है। ये करीब 4 बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ में। तो अब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी ओप्पो रेनो 10X जूम में आती है तो आपको क्या करना है। वेल, यहाँ पे देखिए आपको मैं क्या क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने भी की होगी या आप भी करेंगे। वॉल्यूम की प्रेस की कुछ नहीं हुआ। वॉल्यूम की के साथ में आप पावर की और वॉल्यूम की दोनों एक साथ में प्रेस करते हैं, अभी मैं जो कर रहा हूँ, तो उससे भी कुछ नहीं होता है। और मैं अब कुछ देर में वॉल्यूम की और पावर डाउन की जो है वो भी प्रेस करूँगा, ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे अभी, इससे भी कुछ नहीं होगा। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी की से ये जो लाइट है चली जाए, एटलीस्ट कम से कम फ़ोन स्विच ऑफ ही हो जाए, ताकि उम्मीद हो जाए मुझे कि हाँ ये ठीक हो जाएगा। नहीं तो फिर फ़ोन को सर्विस स्टेशन लेके जाना पड़ेगा, और अभी काफ़ी प्रॉब्लम है सर्विस स्टेशन, अगर आपके घर के पास में नहीं है तो वहाँ ले जाने में, और फिर क्या डेटा डिलीट होगा क्या नहीं होगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में होती है जो हम नहीं करना चाहते एक्चुअली। तो अभी इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? फ़ोन ओप्पो रेनो 10X जूम, 6 GB रैम, 128 GB मेमोरी इसके साथ में, जो मैंने ये वर्जन लिया है ग्रीन कलर का, और पॉपअप कैमरा, बहुत ही अच्छा फ़ोन दिखने में लग रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इसकी फ़ोटो की जो जूम क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इम्प्रेसिव। फ़ोन भी अच्छा दिखने में मेरे को लगा, तभी मैंने लिया। लेकिन ये प्रॉब्लम जो मुझे आ रही है पिछले 2 दिनों से, इससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम शायद किसी और को भी आ रही होगी, तो मैंने, जब मेरे साथ में हुआ तो मैंने इंटरनेट पे भी ढूंढने की कोशिश की कोई इसका सॉल्यूशन हो, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो मैं ही बना देता हूँ, और इसका सॉल्यूशन जो फाइनली मुझे पता चला वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को उतना परेशान ना होना पड़े जितना परेशान मुझे होना पड़ा, राइट? वेल, ये वीडियो इसमें आप देख रहे हैं, फ़िलहाल मैं इसको चार्जर से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, कि हो सकता है कि इसमें बैटरी कम हो गई हो और ये इस वजह से फ़ोन शायद स्विच ऑफ हो रहा है, या ऑन होने की कोशिश कर रहा है, या क्या कुछ शायद बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, क्योंकि नया फ़ोन है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो इसको चार्ज करके देखते हैं हम, चार्जर से कनेक्ट करके, लेट्स सी, अगर ये स्विच ऑन हो जाता है उससे तो ये शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है चार्जर से वायर को, और वहाँ से अभी हम इसको स्विच को जो है वो ऑन कर देते हैं, एंड फिर देखते हैं कि क्या ये जो फ्लैश लाइट स्क्रीन पे दिख रही है, लेफ़्ट राइट जो जा रही है, ये होती है कि नहीं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हुई है, आप देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे चार्जर लगा के ऑन भी कर दिया है, लेकिन ये चार्ज भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मैं कुछ भी स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूँ। ये स्विच ऑफ भी नहीं हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पावर की मैंने प्रेस करके देखी थी। मैं फिर से ट्राई करता हूँ पावर की यहाँ पर, कि शायद स्विच ऑन हो जाए ये, लेकिन नहीं, ये अभी भी स्विच ऑन नहीं हो रहा है।
सो मैं यहाँ पे अभी पावर की के साथ में वॉल्यूम अप की प्रेस करके देखता हूँ, डाउन की प्रेस करके देखता हूँ बारी बारी से अगर कुछ होता है तो यहाँ पे वॉल्यूम अप की और पावर की पे मैंने उधर फिंगर रखी हुई है, दोनों एक साथ में प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी मुझे निराशा ही हाथ में लगी। ओ वाह, तो ये अगर दोनों कीज़ मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या प्रेस किया, दोनों कीज़ अगर मैं प्रेस करता हूँ पावर की, वॉल्यूम अप एंड डाउन, मतलब कि तीनों कीज़ एक तरीके से देखा जाए तो तीनों कीज़ प्रेस की, ये देखिए 67% बैटरी इसमें शो कर रहा है, मतलब कि बैटरी की या चार्जिंग की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पावर की, वॉल्यूम अप की एंड वॉल्यूम डाउन की, ये तीनों की तीनों कीज़ आपको एक साथ प्रेस करनी है, तब जाके ये जो वाइट लाइन दिख रही थी ये चली जाती है। अब ये फ़ोन स्विच ऑफ होके ऑन हो गया है, तो ये स्विच ऑन हो रहा है, ओप्पो रेनो 10X जूम आप देख रहे हैं, और ये जो लाइट आप अभी देखने वाले हैं ये, यस, ये वही लाइट है जो कि फ्रीज़ होने के बाद में फ़ोन में आती रहती है और जिसका कोई सोल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा था। तो इस लाइट का सोल्यूशन देखो, ये यहाँ पे अब की बार नहीं अटका है बिकॉज़ ये अब ये फ्रीज़ नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे ऑन हो जाता है, लेकिन जब ये फ्रीज़ हो जाता है तो वही लाइट बस स्क्रीन के बीच में आती है और कुछ भी नहीं दिखता है। तो अभी हम इसको यहाँ पे चार्जिंग से निकाल देते हैं और सॉल्यूशन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर ये वाली लाइट आपकी स्क्रीन में भी आती है और कुछ नहीं होता है तो आप बिल्कुल मत डरिए, सर्विस स्टेशन आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पावर की, वॉल्यूम अप की और वॉल्यूम डाउन की तीनों कीज़ एक साथ प्रेस करनी है और फिर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद में आप पावर की प्रेस करके आप इसको फिर से स्विच ऑन कर सकते हैं और ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से स्विच ऑन होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे अब मेरा फ़ोन बिल्कुल सही चल रहा है, आई होप कि हम जल्द ही कोई व्लॉग की वीडियो, लाइक आराध्या व्लॉग्स की जो वीडियो है वो शूट करेंगे इस फ़ोन से, और सारी की सारी वीडियोस अब इसी फ़ोन से आने वाली है। फिलहाल इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने बताया, आप भी इस प्रॉब्लम को ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। बस इतना ही इस वीडियो में, आप देखते रहिए लाइक आराध्या व्लॉग्स, और मैं ये आशा करता हूँ ओप्पो से कि वो जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे ताकि किसी और को ये प्रॉब्लम नहीं आए। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सी या।